संगम धाम कैथल जो है उससे सैकड़ों लोग जो है वो साईं बाबा के मंदिर से जुड़े हुए हैं। वो हर साल साईं मंदिर की ओर से एक जो है श्रद्धालुओं का एक जत्था शिरडी में लाया जाता है। इस बार भी लगभग 200 श्रद्धालु कैथल से शिरडी आए हैं और कैथल अम्बाला से चलते ही जब भोपाल पहुंचते हैं तो वहां पर भोपाल की साईं संस्था और पोंदा जी जो कि विश्वविख्यात एक कथावाचक हैं उन्होंने एक भव्य स्वागत किया और उन्होंने वहां पर उनके लंगर की व्यवस्था की। उसके बाद जब हम संस्था जो है पूरे श्रद्धालु शिरडी में पहुंचे तो यहां शिरडी के एक बड़े अच्छे होटल गंगा कॉन्टिनेंटल के मालिक घनश्याम बनवानी जी ने सबका श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया और जो है अच्छी रहने की उनकी व्यवस्था की। और उसके बाद आज जो एक हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार है एकादशी, तो इस पर जो है साईं बाबा के दरबार के बाहर चावड़ी के बाहर एक मीठे जल वितरण की जो है एक शिविर लगाई गई। वहां पर जो है खिचड़ी बांटी गई, आलू का प्रसाद बांटा गया, मिठाइयां बांटी गई, तो लोगों ने जो है खुशी खुशी लोगों को ये इस गर्मी में जो है मीठा जल वितरित किया और साईं बाबा से कामना की कि हमारे पूरे कैथल में, हरियाणा में, पूरे देश में अमन शांति बनी रहे, खुश रहे, बाबा सबके भंडारे भरपूर रखे। इस आशा के साथ हम साईं बाबा का जो है यहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं और बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस यहाँ प्रवास के दौरान हम 12 से 17 तक जो है यहाँ पर शिरडी में जब कैथल के श्रद्धालु रहेंगे तो इस दौरान 14 से जो 16 तक जो है 14-15-16 तीन दिन जो मेन स्टेज है जो साईं बाबा की के मंदिर के बाहर वहां पर विश्व विख्यात कथावाचक सुमित पोंदा जी जो है वो एक साईं बाबा का गुणगान करेंगे। शाम को जो है 7 बजे से 10 बजे तक जो है वो साईं बाबा का गुणगान होगा जहां हजारों की संख्या में जो लोग श्रद्धालु जो देश विदेश से आए हैं वो साईं बाबा की कथा का आनंद लेंगे और वहां पर गीत संगीत भजन के साथ साईं बाबा का गुणगान किया जाएगा। पालकी पालकी बंद कर देने को जाऊँगा।